नमस्कार, हेलो। चांद के शहर से एक कहानी उतरी, छुप गई जाकर आंखों में सपना बनकर निकली। चांद के शहर से एक कहानी उतरी, छुप गई जाकर आंखों में सपना बनकर निकली। नींद के नगर में एक पंछी का जोड़ा, उनके दो बच्चे थे, घुल मिल कर रहते थे। उनकी एक दादी थी, प्यार से कहती थी, आओ मिलकर हम सब खेल खुशी के खेले। आंगन में लगाए हम तारों के मेले, मेले में मदारी भालू का खेल दिखाए। और सर्कस का जोकर सबसे ये कहता जाए, चांद के शहर से एक कहानी उतरी। हेलो, कैसे हो आप सब? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे मैं जो हूँ ना, मजा आ गया मुझे तो आपके साथ यहाँ बैठ के ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप इतने सारे लोग मुझे देख रहे हो तो मुझे और अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चे भी हैं, अंकल भी हैं, दादाजी भी हैं और दादी भी हैं। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी अभी कहानी पढ़ी थी दो दिन पहले। अब वो कहानी पढ़ी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने अपने बेटे को भी सुनाई। उस कहानी का नाम है पैरट्स ट्रेनिंग। पैरट्स ट्रेनिंग आपको पता है, एक राइटर है, पोएट है, बहुत बड़े लेजेंडरी, बहुत जीनियस, और उनका नाम है श्री रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो मालूम ही। अरे उन्होंने तो बहुत कुछ हम सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए लिखा है। और कुछ नया आपने भी सुना हो, पढ़ा हो तो मुझे बाद में बताना है ना। कहानी अभी मैं सुना रहा हूँ आपको, उसके बाद ठीक है। तो ये कहानी जो है उनकी है, पैरट्स ट्रेनिंग। मैंने सोचा क्यों ना ये कहानी आपके साथ शेयर करूँ तो मज़ा आ जाएगा। और मैंने इसमें ना थोड़ी गलती की है। गलती ये है मेरी कि मैंने इसमें कुछ कहानी में अपना भी मिर्च मसाला लगा दिया, अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में, जो मुझे अच्छा लगा। अगर कुछ अच्छा ना लगे ना तो माफ़ करना। और इस कहानी का नाम माना मैंने हिंदी में रख दिया, तातो। तातो तोता, तोते की कहानी है ये। तोते की कहानी है। और ये तोता जो है ना, कोई आम तोता नहीं है। अरे आम से मतलब बड़ा भाई, कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा तोता नहीं है। ये तोता है एक राजा का, राजा साहब, जो एक महल है उनका, दरबार है, हैं वो गांव संभालते हैं। उनके आसपास कम से कम 10 गांव हैं जिनको वो संभाला करते हैं। और वो राजा साहब की 10 रानियां भी हैं। अरे सिपे सलार भी हैं, सिपाही हैं, नौकर चाकर हैं, बादशाह है भाई, बादशाह। और पता है आपको, वो तोते के लिए उन्होंने सारे इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि आखिर भाई वो मैंने जैसा बताया राजा साहब का तोता है, कोई आम तोता नहीं है। तो उसके लिए एक सोने का पिंजरा है, सोने का पिंजरा जिसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं और लोग उसकी तारीफ करते हैं। और उस तोते के लिए भाई आप सोचिए, बादशाह है, बादशाह क्या खाते हैं, पीते हैं, मजा करते हैं, उनको तो किसी चीज की कमी नहीं है। पर वो हाँ भाई सेवा भी करते हैं, किसकी? गांव वालों की। और वही गांव वाले जो हैं राजा साहब का बड़ा आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जो तोता है इसी तरह से, उसके पास भी कोई कमी नहीं है। उसका एक सोने का पिंजरा बनवाया है राजा साहब ने, है बड़ा आलीशान पिंजरा है, बड़ा बहुत बड़ा, जिसको केज कहते हैं, राइट। और उस केज में वो तोता रहता है जिसका नाम तोतो है। उस तोते का नाम तोतो है। तो वो तोतो जो है, उसके पास भाई सोने की चम्मच है, थाली है जिसमें वो खाना खाता है, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची। अरे तोते को तो मिर्चियां पसंद होती हैं, हालांकि बड़ी भाई हमसे तो खाई नहीं जा सकती। अब क्या है कि मजे की बात, ये सब तो ठीक है। अब राजा साहब ने एक दिन सिपाही सलार को बुलाया, अपने सिपाहियों को हाजिर करने के लिए बोला कि हाजिर हो जाए सिपाही हमारे। तुरंत एकदम से आ गए और सिपे सलार वहां खड़े थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और राजा साहब वहां खड़े सिपे सलार से पूछा, सिपाहियों बताओ हमारे
प्रजा में क्या क्या चल रहा है, तो सारे सिपाहियों ने बोला महाराज सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेहतरीन है, खुशहाली है, कोई कमी नहीं है। तो राजा साहब ने पूछा सिपाहियों हमारा तोतो कैसा है, तो सिपाहियों ने कहा महाराज तोतो बहुत आनंद में है, मजे में है। तो राजा साहब ने बोला तुरंत भाई उसको कोई कमी तो नहीं है, और हाँ हमारे तोते से हम मिलना चाहते हैं, उससे मिलवाइए हमें। तो सिपाहियों ने कहा जी महाराज तोतो को हाजिर किया जाए, और तोतो का पिंजरा राजा साहब के सामने, और तोतो जो था अपने पिंजड़े में अंदर एकदम मजे से ठुमकते ठुमकते नाचते गाते वहां इस तरह से सीटी बजाने लगा। तो राजा साहब ने देखा, राजा साहब ने कहा अरे वाह भाई तोतो तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, वाह है बड़े खुश हो। तो तोते ने तुरंत बोला और तोतो इस तरह से कुछ 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 बोलने की कोशिश करने लगा। तो राजा साहब ने कहा भाई ठीक है, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर तोतो, लेकिन एक बात बताऊं, मैं चाहता हूं तुम भाई डांस करो, गाना गाओ, कुछ पढ़ो लिखो, कुछ शिक्षा प्राप्त करो, कुछ सीखो। तो सिपाहियों को राजा साहब ने कहा सिपाहियों महाराज की जय हो। जी महाराज। तो राजा ने कहा सिपाहियों हम चाहते हैं हमारे तोतो के लिए बेहतरीन टीचर दुनिया भर से, देश भर के, दुनिया भर के बेहतरीन टीचर बुलाए जाएं, उनको बुला के हमारे तोतो को शिक्षा दी जाए, उसको कुछ गाना सिखाया जाए, नाचना सिखाया जाए, और हम ठीक 10 दिन बाद या तकरीबन 12 दिन बाद मिलेंगे और देखेंगे हमारे तोतो ने क्या सीखा है ना। और इसी तरह से ये आदेश जब हो जाता है तो सिपाही जो है सब जुट जाते हैं, हैं ढूंढने लगते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथे से पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और एक बात मुंह से 100वें मुंह तक ये बात जाती है, और बेहतरीन टीचर एक से एक आ जाते हैं क्या करने, हमारे तोतो, प्यारे तोतो जो राजा साहब का तोतो है उसको सिखाने। तो इसी में एक इंग्लिश टीचर भी आता है, हिंदी टीचर भी आता है, अरे भाई गाने के लिए भी आता है, सारे गामा पादानी सा सानी दा पामा गारे सा ऐसे, और डांस करने के लिए भी बुलाया जाता है डांसर को, डांस टीचर को। तो पहला टीचर जब आता है इंग्लिश का, वो आता है हैट लगा के, काउगल्स भी लगा लेता है भाई, आखिर मॉडर्न है, वेस्टर्न है, इंग्लिश टीचर है, वो आता है और बोलता है तोतो हाय हाउ आर यू माय डियर तोतो, आई हर्ड दैट योर नेम इज तोतो, एम आई करेक्ट। सिपाही कहते हैं, सिपाही देखने लगते हैं भाई वाह कमाल है, क्या टीचर है, क्या हैंडसम है, वाह 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 वाह, और फिर वो आगे उसको पढ़ाने लगता है। सो तोतो रिपीट योर नेम, कम ऑन टेल मी व्हाट्स योर गुड नेम तोतो। तोतो जो है वो बड़ा बेकार, वो अपने ऐसे कोई उसको कुछ समझ तो आता ना नहीं है, कभी कुछ करने लगा, और तोतो को वो समझाने लगा, सिखाने लगा, ओके तोतो जो भी मैं बोलूंगा वो तुमको बोलना है, ए फॉर एप्पल से रिपीट, फॉलो मी, अरे जस्ट फॉलो मी, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, A for apple, B for boy, C for cat। तोतो जो है बेचारा कुछ समझा नहीं, कुछ माना नहीं, क्योंकि जी टीचर जी ने तो आते ही शुरू कर दिया अपना लेसन, है ना। अब दूसरा सवाल, See, this is our nose। तोतो को समझ नहीं आया, रेड नोज, किसकी रेड नोज है तोतो, योर नोज इज रेड इन कलर, डू यू नो। तो कुछ समझ नहीं पा रहा है आखिर ये हो क्या था, और तो अपना वही इस तरह की कुछ हरकतें तो करने लगा। अब जी हिंदी का टीचर आ गया, हिंदी महोदय आके बोले नमस्कार तो महोदय,
मैं आपका हिंदी टीचर हूँ, हिंदी का शिक्षक, टीचर यानी शिक्षक। तो चलो अब आप अपना अच्छा सा सुंदर सा नाम जो है मुझे बताओ। वो कुछ नहीं बोल पा रहा, फिर आ गया जी म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर चलो। सारे गामा पा धानी सा सानी दा पा मा गरे सा। ये सब तो भैया तो को समझ नहीं आ रहा है, और तो जो है अपने पंख फैला फैला के बोल रहा है कि प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, मुझे छोड़ दो, मुझसे नहीं होगा, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कौन है लोग जो आते ही मेरे ऊपर इतना भैया बार बन गए और सीटी बजाने लगा। अब डांस टीचर ने भी अपना अपना नृत्य दिखाया। और ये सब तो बेकार था। अब जी क्या होता है, राजा साहब आ जाते हैं। सिपाहियों, तो ने कुछ सीखा समझा, हमें बताइए दिखाइए, हम देखना चाहते हैं प्रदर्शन। तो का प्रदर्शन होता है, तो को देखा जाता है, समझा जाता है, सुना जाता है, लेकिन पता ये लगता है जी तो ने कुछ नहीं सीखा। अब इसी बीच में जो हमारे सिपाही सलार है उसमें से एक व्यक्ति दौड़ा अंदर आता है। महाराज की जय हो। अरे क्या हुआ, पहले सांस लो और फिर बताओ क्या हुआ। तो बता रहा है, महाराज अचंभित, अरे अजूबा, मैंने बाहर क्या देखा, पता है क्या देखा। अरे महाराज मैंने देखा एक तोता जिसका नाम तातो है। क्या राजा साहब वो चौंक गए, एक और तोता हमारे गांव में। हाँ महाराज, वो तोता उसका नाम तातो है, आपके तोते का नाम तोतो है, और वो जो तोता तातो बाहर है वो नाचता भी है, गाता भी है, सब कुछ कर लेता है, और तो और बोलता है। और ये सब सुन के राजा साहब चौंक गए। उन्होंने कहा एक ऐसा करो, प्रदर्शन रखा जाए, कंपटीशन कर दिया जाए मेरे तातो तोतो और उस तातो में। और वो तातो किसका था, एक मामूली से आदमी किसान का। किसान को भी बुलाया जाए उस दिन, और तारीख दे दी गई, समय दे दिया गया, आदेश का पालन हो। और अगले ही दिन सब तितर बितर हो गए, लोग भाग भगदड़ मच गई, हड़कंप मच गया पूरे गांव में। अरे तातो और तोतो में एक कंपटीशन होगा, देखेंगे अगर महाराज देखना चाहते हैं। और टीचर्स भी लग गए, हड़कंप मच गया, पोथियां ले लेके तोतो को सिखाया जाने लगा कि ये पढ़ो, ये गाओ, ये सीखो। मगर हमारा तोतो तो सॉरी, लेकिन वो तातो थम्स अप। अब जी आ गया वो दिन, कंपटीशन हुआ चालू, और जो देखा राजा साहब ने दोनों का कंपटीशन, तो हमारा तोतो तो बेचारा शांति से सीटी पे सीटी, कुछ कुछ हरकतें करने लगा। लेकिन वो तातो जो किसान का तातो था, यानी वो तोता जो गांव में एक मामूली इंसान का तातो था, वो जो है कमाल था, अरे अजूबा था वो अजूबा। मैं तोता वो तातो गाने लगा। मैं तोता नील गगन में मैं उड़ता, मैं तोता नील गगन में मैं उड़ता, हरे रंग का हूँ मैं तो मिठू मैं करता, हरे रंग का हूँ मैं तो मिठू मैं करता, कलाकार भी मैं होता, करता नकल भी मैं सबकी, मिठू मैं करता, कलाकार भी मैं होता, मिठू मैं करता, मैं तोता हरे रंग का हूँ मैं तोता, हरे रंग का हूँ दिखता, ठुमक ठुमक के चलता हूँ मैं मिट्टू मिट्टू करता। मैं तोता। और वो जो तातो था वो तो जी ठुमक ठुमक के, मैं तोता
इस तरह से उसने गाया, डांस किया, और ये देख के तो हमारे राजा साहब अचंभित रह गए और उन्होंने कहा वाह, अरे वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई, मैंने तो ऐसा तोता देखा ही नहीं था। और एक मेरा तोतो, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं सीखा मैंने, इसके लिए इतने अच्छे अच्छे टीचर लगाए थे, इतने बेशकीमती टीचर, और उनके ऊपर तो मैंने इतना पैसा भी लगा दिया, फिर भी मेरा टीचर और मेरा तोतो इस तरह से। और एक ये तातो जिसके पास कोई टीचर नहीं, एक मामूली आदमी का तोता है, तातो किसान का। तो राजा साहब बड़े नाराज हुए, और राजा साहब की बेटी भी देख रही थी, पत्नी भी देख रही थी, रानियां आ गई, दासियां आ गई, सब देख रहे थे, सब अचंभित थे। अब ये सब तो हो गया, और सारे सिपाही सवार भी बेचारे मुंह लटकाए खड़े थे, सारे टीचर्स भी मुंह लटकाए खड़े थे कि अब क्या होगा, राजा साहब कहीं हमें सजा तो नहीं दे देंगे, भगा तो नहीं देंगे, अरे काल कोठरी में तो नहीं भेज देंगे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान, वो किसान ने बोला, राजा साहब, राजा साहब अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। तो राजा साहब ने कहा हाँ बोलो बोलो किसान, क्या बोलना चाहते हो, अरे अब और क्या दिखाना चाहते हो। तो किसान ने कहा राजा साहब माफ कीजिए छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आपका तोतो भी उतना ही प्यारा है जितना मेरा तातो। आपके तातो तोतो और मेरे तातो में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है, दोनों ही तो पंछी हैं। अरे इन पंछियों को तो उड़ने के लिए खुले आसमान की जरूरत है, मेरा तातो जो है वो हमेशा खेलता कूदता रहता है, अरे कभी उस स्कूल की बिल्डिंग पर बैठ जाता है, तो कभी कहीं जाके किसी का गाना सुनने लगता है, और मुझे तो पता भी नहीं चला वो कब क्या सीख रहा है, और सीखता चला गया और सीख रहा है, उसको उसमें मजा आता है, मैंने कभी उसको रोका भी नहीं। लेकिन जो आपने अपने तातो को, अपने तोतो को, माफ करना, अपने तोतो को राजा साहब पिंजरे में बंद किया ना, ये गलत है, हम इन्हें सोने का पिंजरा दे दें, चाहे सोने की थाली में खाना दे दें, ये पंछी हैं, जैसे बच्चे और पंछी तो बिल्कुल बराबर होते हैं ना, है ना, जैसे आप भी बच्चों को खेलने कूदने के लिए जगह चाहिए होती, ग्राउंड चाहिए होते, मैदान चाहिए होते, इसी तरह से पंछियों को भी आसमान चाहिए, हवा चाहिए, पेड़ चाहिए, नदी चाहिए, पानी चाहिए, है ना। तो किसान ने कहा राजा साहब मेरा आपसे आग्रह है कि अपने तोतों को जो है इस पिंजड़े से आज़ाद कर दें। और भाई ये बात तो कमाल हो गई, कमाल। राजा साहब भी एक बार सोच में पड़ गए कि हाँ बात तो सही है। अब वो सोच ही रहे थे, इतने में राजा साहब की छोटी बेटी वो भी आ गई, उन्होंने कहा हाँ बाबा, ये बाबा हमारा जो तोतो है ना, ये बिल्कुल पिंजरे में है, इसको हमें आजाद कर देना चाहिए, ये जो किस अंकल है ना, ये जो गांव में हमारे अंकल है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो राजा साहब जो कि जिनकी बेटी उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, वो भी इस बात को कहने लगे यार जब बच्ची भी कह रही है तो बात तो बिल्कुल सही है, और जब कोई बात बच्चे बोल देना तो बड़ों से ज्यादा दम होता है। सही कह रहा हूँ, बच्चों ने बोल दिया तो फाइनल है, बच्चों क्या तो मन एकदम। तो राजा साहब को ये सब समझ में आ जाता है कि भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, और राजा साहब क्या करते हैं, अपनी बेटी को कहते हैं बेटी जाओ इस पिंजरे को खोल दो, इसको आज़ाद कर दो, और अपना तातो जो है, तोतो और तातो दोनों आज़ाद घूमने उड़ने, हवा की सैर, दुनिया की सैर करते हैं और मज़ा करते हैं। तो इस तरह की कहानी थी, हमें सबको आज़ादी तो चाहिए, चाहिए कि नहीं, कौन कैद होके रहना चाहता भाई, कोई नहीं, तो पंछी क्यों रहेंगे, है ना, हम बच्चे हो बड़े हो सबको तो, और सिर्फ बाहरी आज़ादी नहीं, मन की भी तो आज़ादी चाहिए हम सबको भाई, मन से हम फ्री होने चाहिए। सो हो, मैं तोता हरे रंग का, मैं तोता हर तोता, मैं तोता हरे रंग का, मैं तोता चोच मेरी लाल रंग की, मिट्टू मिट्टू मैं करता। जय हो, खुश रहो।